हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लॉक थ्री शुरू करेंगे MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का। ब्लॉक थ्री जो है इसकी शुरुआत हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि हम जो है इंग्लिश लिटरेचर के साथ आज थोड़ा बायो भी पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हम जब बात करते हैं, राइट, जब भी हम कुछ बोलते हैं हमारी जो आवाज़ है वो कहाँ से आती है? गले से आती है, गले से आती है, हमारे मुँह तक आती है और फिर जो शब्द हैं वो बाहर निकलते हैं। तो अब ये सब कैसे होता है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन बायोलॉजी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप में मैं भी नहीं जाऊँगी, बट थोड़ा सा बायोलॉजी हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। आई होप यू आर एक्साइटेड। थोड़ा बहुत बायो रिविजन होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वॉवल्स और कॉन्सनेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्या होता है। एंड इग्नू के भी जो प्रोफेसर्स हैं, जो भी पेपर निकालते हैं, उनका भी एक फेवरेट क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में वो लोग देते हैं कि डिफाइन कॉन्सनेंट्स एंड वॉवल्स। तो जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा ये तो कितना आसान है, AIOU और बाकी सब, बट डेफिनेटली यू आर डूइंग मास्टर्स। तो हम AIOU वाला वॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? फोनेटिक्स के बेसिस पे। फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच, राइट? फोनेटिक्स इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स हम जब बोलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उसके बेसिस पे जो भी स्टडी हम करते हैं वो होता है फोनेटिक्स। तो हम जब बोलते हैं, हम कोई भी चीज़ जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है उसके पीछे बहुत ही सारा साइंस है जो हमें अब समझ में आएगा, थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा। सो आपकी स्क्रीन पे मैं एक इमेज दिखा रही हूँ जिसमें कि इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन माउथ। इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है नेजल कैविटी, जो कि हमारे नाक वाला जो कैविटी होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं वो हो जाएगा। टीथ रिज हमारे दांत के जो पीछे वाला एकदम जो गैप होता है ना वो हो जाएगा टीथ रिज। अपर लिप डेफिनेटली हमारा ऊपर का लिप, अपर टीथ ऊपर के दांत, लोअर टीथ लोअर लिप। फिर टंग के उन्होंने चार पार्ट किए हैं, टिप जो है वो एकदम हमारा कॉर्नर जो छोटा सा होता है वो, उसके पीछे वाला जो थोड़ा एरिया है वो है ब्लेड, फ्रंट जो उधर पीछे होता है, और फिर फाइनली बैक। जीभ को जो वो चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके नीचे और हम आते हैं तो लेरिंग्स, जो हमारा एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर ही है लेरिंग्स। वोकल कॉर्ड्स जहाँ से आवाज़ आती है, ट्रैकिया वो जो अंदर होता है गले के जो कॉर्ड्स होती हैं अलग अलग जहाँ से खाना वाना अंदर जाता है, फूड ट्रैकिया वो। और अगर मैं वापस मुंह पे आऊँ, ऊपर की तरफ हम आते हैं तो सबसे ऊपर हमारे मुंह में जब आप टच करेंगे ऊपर की तरफ, इफ़ यू टेक योर टंग एंड टेक इट टुवर्ड्स ऊपर का साइड, तो पीछे ही वाला जो हिस्सा है वो जो छत होगी हमारे मुंह की ओकन से वो थोड़ा सा कड़क होता है, दैट इज़ योर हार्ड पैलेट। और उससे और पीछे जाओगे तो वहाँ आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा, आप उसको प्रॉपर टच करके देखना, आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। उसके बाद और पीछे जाएंगे वह है फेरिंग्स है। फेरिंग्स ये जो पूरा आपका हिस्सा है, जो पूरा माउथ का सिस्टम है, दिस इज योर फेरिंग्स। एंड एपिग्लॉटिस यानी पीछे जब मुंह खोलते हैं तो कार्टून्स में नहीं दिखाते कि वो ऐसा कुछ लटका होता है, दैट ऑल इट विल बी योर एपिग्लॉटिस। और जो हमारे एपिग्लॉटिकल वर्ड्स में जैसे कि ख का साउंड है ये हमारे एपिग्लॉटिस से आता है। सो ये हमारा क्या हुआ, मैंने अपने मुंह का डिस्क्रिप्शन दिया है। द आर्टिकुलेटरी सिस्टम है इसे हम कहते हैं, तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो है इसको मैंने समझाया है। ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होएगा, बट इसके बेसिस पे हम आगे डिफाइन करेंगे कि कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं एंड कौन से वावल्स हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, और पैसिव जैसे कि हम जानते हैं वो ऑर्गन्स हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। फॉर एग्जाम्पल जब मुझे ट ड स न ऐसे जो साउंड्स हैं वो निकालने हैं तो मेरी टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग जो है वो मूव होती है। ट ड बोल के देखिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मेरी टंग यूज़ हो रही है और ऊपर वाला जो हिस्सा है मेरे मुंह का वो यूज़ हो रहा है। तो इसको मूव करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मेरा लोअर जॉ यूज़ कर रही हूँ, राइट, लोअर जॉ यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या है, एक्टिव है। मेरे टंग का जो टिप वाला पार्ट है वो क्या है, एक्टिव है। अपर जॉ जो है वो मूव नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया, मेरा पैसिव आर्टिकुलेटर यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से एक्टिव और कौन से पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। नॉर्मली व्हेन वी प्रोड्यूस अ स्पीच साउंड, हम उसको ट्रांसमिट करने से हम चाहते हैं कि वो किसी को सुनाई दे, उस वक्त में हम उसे तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज है प्रोडक्शन स्टेज, यानी जब मैं उसको बोलना शुरू करती हूँ। दूसरा है ट्रांसमिशन स्टेज, जब वो मुझसे निकल के सामने वाले तक जाता है। और फिर है रिसेप्शन स्टेज, जब जो भी इंसान मुझे सुन रहा है वो उसे रिसीव कर लेगा। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड।
ओके, दिस वॉज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा बीच में आ गया. बट कमिंग बैक टू हम लोग जो आवाज़ में कौन सा आर्टिकुलेटर पैसिव है, कौन सा एक्टिव है, उसके ऊपर हम आते हैं और किस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि वावल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं. तो इस वाले यूनिट में हम सिर्फ जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं माउथ का और क्या क्या जो बायोलॉजिकल हमारे पार्ट्स हैं जो आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, हमने उसको देखा. और नेक्स्ट यूनिट जो है इसमें हम एक्चुअली क्लासिफाई करेंगे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द साउंड विच इज़ कमिंग. तो उसको समझने से पहले एक चीज़ बहुत ही बेसिक जो है, हम वावल बोलते हैं कि हाँ ए आई ओ यू वावल है और बाकी जो वर्ड्स हैं वो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं. सो अब उसको एक बार और हम समझ लेते हैं कि वावल इज़ अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द ओरल पैसेज इज अनब्लॉक्ड. जो हवा है हमारी वो डायरेक्ट निकलती है. ए बोल के देखिए क्या कहीं जीभ लग रही है, होंठ लग रहे हैं, कहीं हम उसे बंद करने की कोशिश करें, नहीं, हवा जो है आती है, हम अंदर से निकालते हैं और पूरी पूरी बाहर आ जाती है. ई आई ओ यू, हम भले ही मुंह का जो हमारे लिप्स है उसका शेप चेंज कर रहे हैं लेकिन हवा जो है वो कहीं भी रुक नहीं रही है. एयर इज फ्लोइंग विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. लेकिन कॉन्सोनेंट जो है उसके प्रोडक्शन के लिए हवा को या तो हमें कम्प्लीटली या फिर पार्शली जो है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा रोकना पड़ेगा. बी बी मैंने होठ चिपकाए और ब ब ब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, हवा के प्रोडक्शन को रोकना पड़ा. स स अब हवा जो है वो कहाँ से निकली, पार्शली मेरे दांतों के बीच में से निकली क्योंकि मैंने थोड़ा सा जीभ से और दांत से उसको रोक दिया था. तो जिसे मुझे रोकना पड़ेगा जहाँ या तो पार्शियल या पूरा पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा वो मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स. एंड जहाँ हवा विदाउट किसी ऑब्स्ट्रक्शन के निकलेगी वो मेरे क्या हो जाएंगे, वावल्स. इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने बोला वर्ड बार बार तो ब ब वर्ड जो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, शुरू में हवा को रोकना पड़ रहा है. आ आ इसके लिए मुझे रोकना पड़ रहा है, नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, वावल. और र र इसमें क्या हो रहा है, मैं जीप को थोड़ा सा रोल कर रही हूँ और हवा जो है वो रुक के बाहर आ रही है. सो बार बार जो मेरा वर्ड है इसमें मुझे कॉन्सोनेंट्स वावल्स पता चल रहा है. अब एक्चुअली मैं बार वर्ड को ऐसे बार बार करके नहीं प्रोनाउंस करूँगी, डेफिनेटली इन इंग्लिश इट्स बार बार. सो हम आर जो उसको बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं, बट यू आर गेटिंग व्हाट इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज़ अ वावल. नेक्स्ट यूनिट में हम इनको डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, मतलब किस पार्ट से हम उसे बोल रहे हैं और इसे आगे समझेंगे. ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एंड अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है. सो प्लीज़ गाइज कीप सब्सक्राइब, कीप कॉमेंटिंग ऑन द चैनल. मुझे बताइए अगर कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, आई विल ट्राई टू डू दैट. आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.